बुलंदशहर के अगोता थाना क्षेत्र के शाहनगर गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घरेलू सिलेंडर लीक होने के कारण घर में धमाका हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि पल भर में मकान जमीन दोज हो गया। हादसे में घर के मुखिया समेत परिवार के 10 लोग झुलस गए, जबकि ब्लास्ट के कारण भी परिवार के लोग गंभीर हुए घायल। हादसे की जानकारी मिलते ही बुलंदशहर SSP संतोष कुमार सिंह पहुंचे मौके पर, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि 3 लोगों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर कराया। DM रविंद्र कुमार ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और CMO को घायलों को बेहतर से बेहतर उपचार दिलाने के निर्देश दिए। हादसे का शिकार हुए परिवार का मुखिया अहमद कुरैशी गांव में ही मेहनत मजदूरी करता है। बताया जा रहा है कि अहमद के घरेलू सिलेंडर में लीकेज हो गया था। जैसे ही अहमद की पत्नी ने खाना बनाने के लिए आग जलाई तो आग घर में फैल गई। इससे पहले कि आग काबू की जाती सिलेंडर में धमाका हो गया। हालांकि देर तक चले राहत कार्य के बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, मगर इस हादसे के शिकार हुए 3 लोगों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। ये बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे और ये बहू खाना बनाने गई रसोई में, तो गैस लीक था। गैस और आग लगी तो एकदम आग पकड़ गई उसने, आग पड़ने आग फैल गई। ये जो भागे बच्चे उसे बुझाने के लिए पानी या रेता से, तो फिर छप्पर था, छप्पर में आग लग गई। पूरे घर में फिर आग लगती चली गई। पब्लिक बाहर खड़ी देख रही थी। उसके बाद में फिर फ़ोन कराए, वो आई थी आग बुझाने वाली मशीन, घंटों बाद में वो पहुँचिए। इतने आग पर काबू कर लिया हमें समर सेविल चलाने के बाद में। मामला ये है जी, खाना बनाने वाला सिलेंडर था LPG, वो लीक हो गया था। खाना बनाने के लिए जो सिलेंडर की गैस जाती है औरतें जलाने के लिए, वो गैस सारे में फैल गई थी। छप्पर है घर में, उसके फलने से घर में छप्पर भी आ गई पीछे को, तो वो सिलेंडर में आग लग गई, गैस सारे में फैल गई थी। उससे ये लड़के बच्चे भी। बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट।